हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चंस। स्टेट जुडिशरी जो है, इसमें कौन आती है? हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सेशन कोर्ट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑथोराइज टू ट्रांसफर द जजेस ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर होती है एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में, तो वो कौन करता है, कौन ऑथोराइज करता है? तो वो करता है हमारा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, व्हाई डिड वन ऑफ द हाई कोर्ट्स इन इंडिया डिक्री दैट द बांस आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड पुनिटिव। अब ये जो बांस होते हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड पुनिटिव क्यों माने जाते हैं? बांस क्या होते हैं? बांस का मतलब होता है जो स्ट्राइक्स वगैरह होती है, स्ट्राइक्स को बोलते हैं बांस। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंजस करते हैं, तो इसीलिए इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। जब भी कोई स्ट्राइक आती होती है, तो उस स्ट्राइक को जो पुलिस है वो क्या करती है? अपोज करती है, रोकने की कोशिश करती है कि स्ट्राइक्स ना हो। क्योंकि अगर स्ट्राइक्स होती है तो उससे जो कॉमन मैन होता है, उसके कुछ जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो वायलेट हो जाते हैं, इसीलिए स्ट्राइक्स को रोका जाता है, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। नेक्स्ट है, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस। हाई कोर्ट जजेस जो होते हैं वो 62 इयर्स तक जो है वो ऑफिस में रह सकते हैं, हाई कोर्ट का जज रह सकते हैं, उसके बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज है वो कितनी है? वो है 65 इयर्स। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में यूनियन टेरिटरी दे रखी है, लिस्ट टू में हाई कोर्ट की यूरिस्डिक्शन दे रखी है कि हाई कोर्ट की यूरिस्डिक्शन कौन सी है। नेक्स्ट है पांडिचेरी। पांडिचेरी को पुदुचेरी भी बोला जाता है, तो पुदुचेरी आती है मद्रास हाई कोर्ट की यूरिस्डिक्शन में। फिर सेकेंड है अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड पे कोई भी हाई कोर्ट नहीं है, तो ये कौन सी यूरिस्डिक्शन में आता है? कैलकटा हाई कोर्ट की यूरिस्डिक्शन के अंदर। लक्षद्वीप, ये केरला हाई कोर्ट की यूरिस्डिक्शन में आता है। और दमन एंड दीव, ये बॉम्बे हाई कोर्ट की यूरिस्डिक्शन में आता है। नेक्स्ट है, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो उसको अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैव कॉमन हाई कोर्ट। तो कॉमन हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश बिहार की अलग अलग अपनी अपनी हाई कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट नहीं है। पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़, ये तीनों की एक कॉमन हाई कोर्ट है। कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स कैन द जज ऑफ दिस हाई कोर्ट बी इम्पीच्ड। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को इम्पीच करने का जो प्रोसीजर, जो प्रोसेस है वो सेम होता है, और जो ग्राउंड्स है वो भी सेम होते हैं। तो कौन से हैं? प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी टू एक्ट एज अ जज। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द हाई कोर्ट इन मद्रास इस्टेब्लिश्ड। मद्रास हाई कोर्ट कब बनी थी? 1862 में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो फर्स्ट नेम दे रखा हाई कोर्ट का, और नेक्स्ट दे रखी है टेरिटोरियल यूरिस्डिक्शन। बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें तो इसकी टेरिटोरियल यूरिस्डिक्शन कहाँ तक है? महाराष्ट्र स्टेट में, गोवा, दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली। नेक्स्ट है कैलकटा, ये वेस्ट बंगाल अंडेमान निकोबार में है, ये भी सही है। मद्रास की तमिलनाडु एंड पांडिचेरी में है, पांडिचेरी को पुदुचेरी भी बोलते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड सिक्किम जो है ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर नहीं आते हैं, इनकी अपनी हाई कोर्ट है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर, राइट। ये चार स्टेट्स आती है गुवाहाटी हाई कोर्ट में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, देर आर 21 हाई कोर्ट्स एट प्रेजेंट इन इंडिया। 21 हाई कोर्ट्स नहीं है, टोटल 25 हाई कोर्ट्स है। एंड आउट ऑफ दिस 25 हाई कोर्ट्स, 6 हाई कोर्ट्स ऐसी है जिनकी जो टेरिटोरियल यूरिस्डिक्शन है वो मोर देन वन स्टेट्स के ऊपर है, राइट। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, नॉट करेक्ट है। सेकंड, कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट वर एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1862।
टू, तो ये वाली स्टेटमेंट राइट है. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, टू ओनली. नेक्स्ट है द मोबाइल कोर्ट इन इंडिया एज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ. मोबाइल कोर्ट किसका ब्रेन चाइल्ड था, ये किसका आइडिया था, ये आइडिया था जस्टिस भागवती का. ये आइडिया इन्होंने कब दिया था, 2006 में ये जो मोबाइल कोर्ट है इसकी इनोग्रेशन हुई थी कहाँ पे, हरियाणा में. हरियाणा में कहाँ पे, हरियाणा में भी मेवात डिस्ट्रिक्ट में, राइट. नेक्स्ट है हाई कोर्ट जज एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन. हाई कोर्ट जज ने अगर रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट कीप इट्स ओन हाई कोर्ट. ओडिशा की अपनी हाई कोर्ट है, सिक्किम की अपनी है, हिमाचल प्रदेश की भी अपनी है, लेकिन नागालैंड की हाई कोर्ट अपनी नहीं है. ये कौन सी हाई कोर्ट के अंडर आता है, ये आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर, राइट. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस. गुवाहाटी हाई कोर्ट में आती है, टोटल कितनी स्टेट्स आती है इसमें, 4 स्टेट्स. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन यूरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट. तो जो एडवाइजरी यूरिस्डिक्शन है ये हाई कोर्ट की मेन यूरिस्डिक्शन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की मेन यूरिस्डिक्शन है, एडवाइजरी यूरिस्डिक्शन, राइट. नेक्स्ट है द फर्स्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज हु वॉलंटरली मेड पब्लिक हिज एसेट इज. तो ये कौन थे, ये थे जस्टिस के कन्नन. ये कहाँ के जज थे, कौन सी हाई कोर्ट के जज थे, ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जज थे. चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ में है, तो उसके जज थे. इन्होंने 2009 में अपने एसेट्स को पब्लिक किया था. नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हाई कोर्ट्स इन इंडिया. फर्स्ट है देयर आर 18 हाई कोर्ट्स इन द कंट्री. लॉन्ग स्टेटमेंट है, टोटल कितनी हाई कोर्ट्स है, 25 हाई कोर्ट्स है. थ्री ऑफ देम हैव यूरिस्डिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट्स. ये भी रॉन्ग है, 6 हाई कोर्ट्स ऐसी है जिनकी यूरिस्डिक्शन एक से ज़्यादा स्टेट्स पे या यूनियन टेरिटरीज पे है. थर्ड है नो यूनियन टेरिटरी हैज़ हाई कोर्ट इट्स ओन. ये भी रॉन्ग है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी की अपनी हाई कोर्ट है. फोर्थ है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 62. फोर्थ वाली स्टेटमेंट जो है ये राइट है. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 4 ओनली. नेक्स्ट है टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंड्स आर सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ ए स्टेट चार्ज. हाई कोर्ट के जजेस की सैलरीज कौन से फंड में से आती है, तो ये आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, जिस भी स्टेट के वो जजेस है, राइट. जैसे 2 स्टेट्स के हैं तो दोनों में से आ जाएगी आधी आधी सैलरी, अगर 3 स्टेट्स है तो तीनों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज़ द टेरिटोरियल यूरिस्डिक्शन ऑफ अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड. अंडेमान निकोबार आइलैंड कौन सी हाई कोर्ट में आता है, तो ये आता है कलकत्ता हाई कोर्ट की यूरिस्डिक्शन के अंडर. नेक्स्ट है द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज. बिल्कुल सही है. सेकेंड द डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट. हाई कोर्ट और गवर्नर की कंसल्टेशन के साथ डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होता है. बिल्कुल सही है. अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज शुड बी एन एडवोकेट और अ प्लीडर ऑफ ए 7 ईयर स्टैंडिंग और मोर और एन ऑफिशियल ऑफिसर इन जुडिशियल सर्विस ऑफ द यूनियन और द स्टेट. ये भी सही है. वैन द सेशन जज अवार्ड्स डेथ सेंटेंस इट मस्ट बी कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट बिफोर इट इज कैरिड आउट. अब देखो अगर सेशन जज कोई डेथ सेंटेंस देता है, डेथ पेनल्टी देता है, तो वो पहले हाई कोर्ट से कंफर्म होती है, फिर आगे डेथ सेंटेंस उसको दी जाती है. तो चारों की चारों स्टेटमेंट्स ही यहाँ पे राइट है. नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. देर आर 21 हाई कोर्ट्स इन इंडिया. तो ये रॉन्ग है, 25 हाई कोर्ट्स है. पंजाब हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हैज़ अ कॉमन हाई कोर्ट. बिल्कुल सही है, चंडीगढ़ में है इसकी हाई कोर्ट. नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन. एनसीआर जो दिल्ली की है, एनसीटी दिल्ली की जो हाई कोर्ट है उसकी अपनी है. तो आंसर आ जाएगा 2 एंड 3 ऑप्शन सी. नेक्स्ट है असोसिएशन इन इंडिया एवरी स्टेट हैज़ ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन. अब देखो हर एक स्टेट की हाई कोर्ट तो है बट अपनी नहीं है. जैसे पंजाब हरियाणा की ये कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ की. तो ऐसे नहीं है कि अकेले पंजाब में ही हाई कोर्ट है. तो सारी स्टेट्स की अपनी अपनी हाई कोर्ट नहीं है. हाँ वो किसी ना किसी हाई कोर्ट के अंडर ज़रूर आते हैं, किसी ना किसी हाई कोर्ट की यूरिस्डिक्शन के.
रीजन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट. हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक स्टेट को हाई कोर्ट प्रोवाइड करी हुई है, चाहे वो किसी भी हाई कोर्ट की यूरिस्डिक्शन में आता हो. तो यहाँ पे ए जो है वो फॉल्स है एंड आर इज ट्रू. नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इज सेम एज दैट ऑफ द रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, सेम प्रोसीजर से ही हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सेकंड क्या है, आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस अ परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया. रिटायरमेंट के बाद जो हाई कोर्ट का परमानेंट जज है वो सुप्रीम कोर्ट में प्लीड कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज हाई कोर्ट में नहीं आ सकता. तो यहाँ पे सेकेंड वाली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, वन ओनली. नेक्स्ट है, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव यूरिस्डिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरीज. तो टोटल 6 ऐसी हाई कोर्ट्स है जिनकी यूरिस्डिक्शन एक या एक से ज़्यादा स्टेट या यूटी के ऊपर आती है. नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू लोक अदालत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट है, लोक अदालत हैव द यूरिस्डिक्शन टू सेटल द मैटर्स एट प्री लिटिगेटिव स्टेज एंड नॉट दोज मैटर्स पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट. तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है. अब देखो, लोक अदालत क्या है, ये एक तरह का ऑल्टरनेटिव है. जैसे छोटे मोटे कोई सिविल केस है, क्रिमिनल केसेस को नहीं देखती, जैसे सिविल केस आ गए, सिविल केसेस के अंडर जैसे कॉम्प्रोमाइज वगैरह होते हैं, तो वो उन सारे जो मैटर्स है उनसे डील करती है लोक अदालत, राइट. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, लोक अदालत कैन डील विद द मैटर्स विच आर सिविल नॉट क्रिमिनल इन नेचर. सिविल केसेस के साथ ये डील करती है, जैसे छोटे मोटे जो कॉम्प्रोमाइज पे ही खत्म होने वाले केसेस होते हैं. क्योंकि अब जो हमारी वैसे नॉर्मल कोर्ट्स की बात करें तो नॉर्मल कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस पड़े होते हैं, तो इसीलिए लोक अदालत बनाई गई है जो सिविल केसेस हैं उनके साथ डील करने के लिए, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे. तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.